Good morning, Chona baby. Morning time. Mia Yuvan, चुपा चुपा उठ के नाई नाई कर ली। ये देखिए सब लोग फ्रेश हो गए हैं यार। सब सारे बच्चे घर के फ्रेश हो गए हैं, इतनी फ्रेशी फ्रेशी हो गए हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे आई एम श्योर। और यहाँ हो रही है मेरे दिन की शुरुआत नारियल पानी के साथ। और चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। गुड बॉय। यमी नाइस। गुड बॉय। अच्छा लगा आपको? नाइस, यू डिड लाइक इट? सो गाइस, मम्मी पिलाती तो नहीं थी। हाँ, नारियल पानी आज मेरे हाथ से पी रहा है। मम्मा पिलाती हैं, इसकी नहीं पीता, तो इट्स वेरी गुड थिंग। लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। गुड बाय बोलिए तो। गुड बॉय, गुड बॉय माई बेबी। नहीं हो गया, बस इतना ही चाहिए था उसको। उसको देखना था कि क्या ये पी सकता है, मतलब ही वॉन्ट्स टू जस्ट ट्राई। ये देखिए गाइज, ये हमारा छुटका अच्छा बेबी। इसको भी पूरा लाड चाहिए, अपने बेड में सोना ही नहीं है। इसको रोज आके बोलता है मुझे ऊपर ले लो प्लीज, मुझे ऊपर ले लो चुनाने के लिए। छोला है छोना बेबी मेरा, छो जा ले लो मुझे, इंजॉय कर लो लाइफ थोड़ी सी, है ना। और इधर मम्मी ब्लॉग के मजे लेते हुए। हेलो मेरा चोना बेबी, बोई क्या कर लिए? व्हाट एम आई डूइंग? और ये देखिए आ गया मेरा दूसरा लाडला। सो गाइस, ये फैला हुआ है मेरा मेकअप का सामान बेसिकली। I'm sorting everything out and doing my makeup. I thought क्यों ना मैं एक segment shoot कर लूँ। Feeling better now, right now. So इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फटाफट फटाफट makeup कर रही हूँ। And चलिए आप देखिए मेरा makeup, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। Let's see. अपर्णा की help लेती हूँ record करने के लिए। Okay. करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कर लेते हैं अपना शाइनी शाइनी फेस। ये लीजिए, थोड़ा यहाँ भी लगा लीजिए, लगाने से मतलब है ये देखिए। थोड़ा यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, शाइन 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 शाइन। ऑलराइट गाइस, अब मैं क्या करूँ? अब नो आइडिया मैंने कितना मेकअप रिकॉर्ड किया कितना नहीं। सो प्लीज़ मुझे इस बार के लिए झेल लीजिएगा। मैं डिटेल में पता नहीं क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ। एंड नाउ लेट्स सी, मेरे सामने पड़ा था तो मैं लगा रही हूँ गाइस। अगेन नो स्टेमिना, इतनी भीड़ में से मैं निकालूँ और मस्कारा, आई डोंट नो ये कितना काम करेगा कितना नहीं। मुझे दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ कुछ तो हुआ यार, कुछ तो हलचल हुई है। आउच,
हमेशा की तरह रिकॉर्ड बनाते हुए मेरा मस्कारा बाहर लगा. लेट्स क्लीन दिस एंड दैट्स इट गाइस. आई एम नॉट अप्लाइंग एनीथिंग एल्स. गर्मी बहुत लग रही है यार, बहुत ज़्यादा. एंड दिस लश ऑन इज लुकिंग नाइस. लेट्स जस्ट डू सम कटिंग ऑन माई फेस बिकॉज इतना मोटापा बढ़ गया है, उसको तो झड़ना पड़ेगा ना. एंड माई बेनिफिट का ब्रॉन्जर थोड़ा सा मेरे ढोलक जैसे चेहरे को शेप देगा. पहले मैं गाइस डरती थी यार, मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी प्रेगनेंसी में, हाउ विल आई यू नो सी माई सेल्फ. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत मज़ा आया वेट पुट ऑन करके, खा के पी के. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट मुझे पता है कि मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा. और मुझे ये भी पता है मेहनत बहुत करनी है आगे. ठीक है यार, मेहनत से डर नहीं लगता, करेंगे. लाइफ में एक बार ये भी देखना चाहिए ना कि आप मोटे हो गए कैसे लगते हो. देख लिया, देख लिया मोटापा है, मोटापा. डिन 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 डिन. लेट्स फिक्स द फेस. ये किया मैंने फिक्स और किया लॉक माय मैक. मस्कारा मेरा बाहर निकलते हुए एज ऑलवेज, क्योंकि मैंने अभी स्प्रे मेरा ड्राई नहीं हुआ है और ना मैंने मस्कारा ट्राई किया. मैं फटाफट ब्रेक ना लेके छट 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 मैंने मेकअप कर लिया. चलिए अब मिलते हैं. फिलहाल सीधा कहाँ, कुछ भी नहीं, शूट कर लेती मैं वो. मैं आपको मेरे दूसरे व्लॉग में मिलेगा. ये तो मेरा डेली रूटीन व्लॉग है, आपके सवालों के जवाब देने हैं गाइस. बैठ के पढ़ लेती हूँ. और यहाँ गणपति जी का विसर्जन होते हुए फुल ऑन मस्ती में डूबे हुए लोग, मज़े आ रहे हैं सबके यार. इस फेस्टिवल का फील ही अलग होता है बॉम्बे में. टन टन, ये एंट्री हुई है मिस्टर नरुला जी की एंड न्यू पापा की. न्यू पापा, हाउ आर यू न्यू पापा? बहुत ही बढ़िया. वेलकम होम. थैंक यू. व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? इट्स 10. 10? 10:30, 11. मुझे लगा था मैं पाया मैं यहां. क्यों? कहां टाइम नहीं था, गया वो वहां से ऊपर से गाड़ी बंद लगा मैंने छोड़ दिया टाइम वगैरह कुछ होता. नीचे गणपति का वो देखा है. सारे काम खत्म कर लिए. हां, घर के काम कर रहा. कल का भी कार सुबह सुबह वहाँ जाना बुला रहा है. हाँ, वो गेट के अंदर अंदर ले आ इसको बेटा. कल सुबह किया जाना, सुबह किया जाना है. बहुत काम पेंडिंग है, कर लो फटाफट खत्म. जल्दी जल्दी. क्या कर रहा था तुम? मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में? एक ही पोजीशन है, वो ही रूम. बस बैठ के आज मैंने मेकअप किया, यहीं पे अपना बक्सा खोला, वीडियो बनाया. अब तो बाहर ही नहीं गई हूँ मैं, यहीं से यहीं की यहीं मेकअप किया और यहीं की यहीं लेट गई. थक गई थी, बैठा नहीं जाता. तुमने वो पहना नहीं जो मैं ले गया हूँ? यस गाइस, आई वांटेड टू शो यू. दिखाओ क्या लेके आया मेरे लिए. कहाँ रखे हैं? बाहर. बाहर ही दिखा देंगे, आप दिखा देना ब्लॉग में. बाहर नहीं, अभी दिखाओ ना. क्या बात. सो गाइस, मैंने कुछ शॉपिंग करवाई थी प्रिंस से बिकॉज मेरे कपड़ों का साइज़ हो रहा है चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज. कंफर्टेबल कपड़े मंगाए थे मैंने, सो आपको दिखाऊंगी मैं. आई थॉट ही विल कम एंड देन यू नो ही विल शो, बट लेजी बम 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 लेजी बम. ये देखिए मिस्टर नरुला मैच देखते हुए डिनर के साथ में.
बेटा इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दो। हाँ और मेरी रोटी में ना घी मत लगाना। यस नो घी। ये कौन सा मैच है? मैच कौन सा है ये? अभिषेक की टीम है मलहम की। इन्फ्लुएंसर्स का मैच आज अभिषेक और एलविश आ गए की टीम का। तो ये लाइव चल रहा है? लाइव अभी दोपहर शाम में होना, शाम में देख नहीं पाया। कौन जीत रहा है? हाँ ये तो एलविश की टीम जीत रही है। वाइट नमक दे दो फिर रहने दो। पिंक सॉल्ट रखा है? मुझे लगा पता नहीं कुछ ये सब इंडियन क्रिकेटर्स हैं तभी तुम इतने इंग्रॉस्ड होकर देख रहे हो, बट हाँ जब यार दोस्त होते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। कौन जीते है? कौन चाहते हो कौन जीते? अभिषेक मलान या फिर? जीत गया वो, मैं क्या चाहता हूँ। कौन जीता है? एलविश। एलविश यादव जीता है। सो गाइज इंजॉय एलविश यादव की टीम एंड ऑल द फैंस आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। याद आ गया इसको भी पंखे देने में मजा आता है। सो गाइज प्रिंस निकल चुका है घर की तरफ और डिनर कर लिया उसने काफ़ी लेट। लेट ही आया था, काफ़ी लेट हो गया है। इट्स बेटर टू लीव ऑन टाइम बिकॉज कल बहुत काम है कंप्लीट करना है। सो मैंने कुछ सामान मंगवाया था जिससे तो आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मंगाया था बिकॉज क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली मैं तो खुद शॉपिंग करते करते थक गई थी लेकिन अब मैंने प्रिंस को बोला जो मैंने शॉप किया था मुझे बहुत कंफर्टेबल लगे कुछ पीसेस तो मैंने रिपीट बेसिस पे आई एम गोना वेयर आई हैव बीन वेयरिंग ऑलरेडी मैं पहन रही हूँ बट मैं ज़्यादा पीस नहीं लेके आई थी तो और क्योंकि मेरा साइज अब और चेंज हो गया है एंड मोमेंट का टाइम चल रहा है तो मैंने ये कुछ टी शर्ट्स मंगवाई हैं लूज। अभी तक मैं लार्ज पहन रही थी अब मैं आ गई हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पर बिकॉज जी हाँ एक्स्ट्रा लार्ज यही मेरा साइज हो गया है। अब कुछ लूज टी शर्ट्स हैं ये देखिए ये थोड़ी मुझे छोटी लग रही है मतलब सब सम लोअर्स बट ये बहुत कंफर्टेबल है गाइज ये शॉर्ट्स के साथ में है जो टी शर्ट मैंने नीचे देखी एंड दीज आर पैंट्स या इलास्टिक के चक्कर में बहुत ज़्यादा मुझे लूज चाहिए सो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। आई होप ये मुझे फिट आए अब आगे मुझे रिपीट बेसिस पे यही पहन देखेंगे आप। एंड एक ये पैर है इन ब्लैक कलर आई थिंक ये ऑलरेडी मेरे पास एक है बट ये उससे भी बड़ा साइज़ है। मैंने भी लाइफ में नहीं सोचा था मैं एक्स्ट्रा लार्ज पहनूंगी। एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज तक की कहानी मेरे पास बट आई एम एंजॉइंग गाइस दिस
रिग्रेट, पहले मुझे डिस्ट्रेस होता था यार मैं कैसे लगूंगी और यू नो क्या होगा, नथिंग एल्स, इट्स अ ब्यूटीफुल फेस, सब ये साइजेस, बस ये है कुछ काम नहीं आना है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए हैं, ओनली 3 पेयर, मैंने तो 2 ही पेयर बोला था और प्रिंस लेके आ गया 3 पेयर, शॉर्ट्स के साथ मेजरली रात में कंफर्टेबल फील होता है तो आई एम गोना वेयर दैट, और ये मैं आप देख ही सकते हैं जो मैंने पहना है, सेम फैब्रिक बट साइज बड़ा है, और या उस टाइम उनके पास इतनी वैरायटी नहीं थी, अभी इनके पास बहुत प्यारे ब्राउन कलर कॉफ़ी, यू नो दिस इज मरूनिश, डार्क मरूनिश, एंड दिस वन इज कॉफ़ी, ये ब्लैक एक और आ गया है, सो या नॉट बैड, तो ये है मेरी प्रेगनेंसी के कंफर्टेबल कपड़े जो बस कुछ ही दिनों के लिए यूज होने वाले, नॉट जस्ट कुछ पे, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना वेस्ट मनी लाइक दिस, मैं पहनने वाली हूँ जब तक मेरी बॉडी पे कंफर्ट रहेगा, यू नो आई डोंट नो आने वाले फेज में हाउ माय बॉडी इज रिएक्टिंग, बट ऑफ कोर्स आपको एक कंफर्टेबल कपड़ों की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आप यू नो अभी मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ, उसके बाद कुछ टाइम तक तो मुझे चाहिए दैट जोन, एंड लेट्स सी, आई गो विद द फ्लो, जैसे मैं अब तक फ्लो के साथ ही चल रही हूँ, आज ठीक कल बीमार परसों फिर थोड़ा थोड़ा ओके रहती हूँ, सो ना इट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो मेरा तो आना जाना बंद है, तो मैं वही जितना सबके काम बांट रही हूँ, प्रिंस को बोल रही हूँ यू हैव टू डू दिस एज अ फादर, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है करनी है वो करना ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो चीज़ें हो सकती हैं कुछ मैं आकाश को बोल रही हूँ, आज जिसमें आकाश को बताया कि तुम्हें ये काम खत्म करना है, ये चीज़ें करनी है, सो सबको ना अपना अपना डिपार्टमेंट दे रही हूँ, बिकॉज भागा दौड़ी वाला काम है, एंड ये सिर्फ लड़के लोग ही कर सकते हैं मेजरली, यस, सो दैट इज़ वाई आज ही मैंने आकाश को बताया दैट यू हैव टू हैंडल दिस डिपार्टमेंट, सो यस दिस गाइज विल डू, दे विल मैनेज, इसी बात पर मुझे लग रहा है कि आज भी मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, जो मैं ये मेकअप वेकअप करके बैठ गई हूँ ना गाइज, कुछ नहीं होने वाला मेरा, क्योंकि शूट करने के लिए मुझे अपर्णा और अपर्णा आकाश गए हैं बाहर ड्राइव पर, उनका रूटीन सेट रहता है, एवरी डे दे गो फॉर अ ड्राइव, उस कपल का मामला सॉर्टेड है तो वो कब आएंगे और तब तक मेरी हालात ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मैं अपना निकाल लूँ मेकअप और सो जाऊँ मेडिसिन लेके, समझ नहीं आ रहा है, एंड आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं उनका जवाब भी देना है, कल हालत ख़राब हुई, कल इस चक्कर में मैंने शूट नहीं किया, आज मैं वेट कर रही हूँ, आज वेट करते करते हालत ना ख़राब हो जाए, सो लेट्स सी गाइस मैं आगे शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी वो तो पता चलेगा, बिकॉज एक बार में तो ख़त्म नहीं होगा वीडियो, मुझे 2-3 वीडियोस बनाने हैं, आपके सवाल बहुत सारे हैं, एंड उन बहुत सारे सवालों में ऑफकोर्स मैं बहुत कम सवालों का भी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, सो अब रात हो चुकी है, देर इज़ नथिंग, सब लोग सो चुके हैं, आकाश अपर्णा बाहर ड्राइव के लिए गए हैं, मम्मी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वो बाहर वाले रूम में है, वो रेस्ट कर रहे हैं, मैं अकेले हूँ, गोगो भी गया है घूमने के लिए ड्राइव के लिए, प्रिंस भी जा चुका है दूसरे घर, एंड यस मैन गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, लव यू ऑल, लव योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लव योर सेल्फ, मैं ये बात कहते कहते अपने आप को भी कहती हूँ, जब आपसे बात करती हूँ तो अपने आप को भी एक रिमाइंडर आता है, एंड लिव योर लाइफ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, अच्छा सोचिए, खुश रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, दैट्स इट, लाइफ में यू नो जितना आप खुशियाँ बटोरोगे वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपनों के लिए बेहतर है, एंड बाकी जो जिसको सोचना है, जिसको जो करना है वो तो करेंगे, है ना, टेक केयर, लव यू ऑल, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, बाय।